हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम छोड़े डॉट नेम इज़ रमनदीप सिंह स्टूडेंट्स टुडे टू डू द प्रीवियस कट ऑफ एनालिसिस फॉर आई बी पी 2023 एग्जाम uh, पिछले साल की कट ऑफ एनालिसिस करेंगे और उससे पिछले साल की कट ऑफ का एग्जाम एनालिसिस करेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना माई नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड आई बिन टीचिंग ऑन बैंक एग्जाम फ्रॉम लास्ट ट्वेल्व ईयर नाउ एंड आई बी पी एस वी आर डूइंग ऑन बैंक लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन ज्वाइन फॉर द दज वेल एज फॉर द प्री एग्जाम दिस इज द कट ऑफ प्री का कट ऑफ प्री कट ऑफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द फाइनल सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन में इसका कोई रेलिवेंस नहीं है इफ यू क्लियर द प्री एग्जाम देन यू आर एलिजिबल फॉर द मेन्स एग्जाम दट सेट दट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द प्री एग्जाम हेयर जो कट ऑफ था अनरिजर्व कैटेगरी का आउट ऑफ 125 38.63 था मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स दे वर एबल टू क्रैक द प्री कट ऑफ थर्टी फॉर द एस कैटेगरीज एस सी ऑलमोस्ट सिमिलर सा कट ऑफ है ठीक है सो थर्टी 38.63 फॉर द अनरिजर्व कैटेगरीज पिछले साल की बात कर रहा हूँ

और साढ़े दस ग्यारह मार्क्स इंग्लिश में कई लोगों के नहीं आते ऑल दो द ओवरऑल कट ऑफ इज वेरी लो बट द सेक्शनल कट ऑफ इज़ अ प्रॉब्लम हेयर फॉर मेनी स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ओवर कॉन्फिडेंट होके जाते हैं कई बार रीजनिंग के एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल होते हैं मैंने देखे हैं सो दैट्स वेरी कॉमन प्लीज कीप दैट इन योर माइंड प्री के एग्जाम में अगर कोई फेल होता है तो उसका मेन रीज़न सेक्शनल कट ऑफ है ना कि जो ओवरऑल कट ऑफ है ठीक है प्री के एग्जाम की ठीक है प्लीज़ कीप दैट इन माइंड ऑल दो थर्टी एयर इज़ अ कट ऑफ इन द प्री एग्जाम ओवरऑल कट ऑफ बट सेक्शनल कट ऑफ इज रियली हाई मेरे हिसाब से ग्यारह कई बार स्टूडेंट से नहीं कवर होते मेन्स का कट ऑफ नाउ गिव इट अ क्लोज लुक ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है जनरल का जो कट ऑफ है अनरिजर्वड कैटेगरी का जो कट ऑफ है दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन फाइव ये मेंस का कट ऑफ है आउट ऑफ 60. आउट ऑफ 60 आपको 722.75 लेने हैं एससी कैटेगरी कटेगरी ओबीसी 22.50 ईडब्ल्यूएस सेवन फाइव कैटेगरी का कट ऑफ एस से भी कम जा रहा है एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्या 22.75 मार्क लेकर और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके आप आ, क्रैक कर सकते हो पूरे प्रोसेस को आंसर इज नो बाईस तेईस मार्क लेके नहीं होता है मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ ये मैंने एक एग्जाम्पल बनाई है पहले आप ये देख लें प्रोफेशनल नॉलेज का कट ऑफ जो है दैट इज़ 16.25 16.25 इसका अलग कट ऑफ़ आता है इंटरव्यूज़ का कट ऑफ अलग होता है दो कट ऑफ होते हैं आई डोंट नो वाई मुझे आज तक समझ में नहीं आया एग्ज़ाम का कट ऑफ सिक्सटीन है और जिसके ट्वेंटी हैं उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जबकि अगर आपके सोलह पॉइंट टू फाइव है आपको बोलते हैं आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया लेकिन इंटरव्यू का कट ऑफ अलग आता है उसके बाद दिस इज द फाइनल कट ऑफ ये जो है आपका फाइनल कट ऑफ है इधर अनरिजर्व कैटेगरी का दिस इज़ द फाइनल कट ऑफ फिफ्टी फाइव पॉइंट सेवन थ्री फिफ्टी फाइव पॉइंट सेवन थ्री इज इट्स अ फाइनल कट ऑफ ठीक है uh, ये कुछ एग्जाम्पल कैलकुलेशन हैं अगर आपके ट्वेंटी टू पॉइंट कट ऑफ कितना था फाइनल फिफ्टी फाइव पॉइंट सेवन थ्री फिफ्टी फाइव पॉइंट सेवन थ्री जो है ये फाइनल कट ऑफ है इंटरव्यू के मार्क्स मिला के मेन्स में वेटेज ऑफ रिटर्न एग्जाम एग्जाम इज एटी परसेंट इंटरव्यू इज ट्वेंटी परसेंट प्री जीरो ट्वेंटी तो आपका वेटेड स्कोर आउट ऑफ एटी बन गया थर्टी पॉइंट थ्री थ्री इवन इफ यू स्कोर ट्वेंटी मार्क्स इन द इंटरव्यूज यू विल एबल टू स्कोर फिफ्टी पॉइंट थ्री थ्री विच इज फार अवे फ्रॉम द फाइनल कट ऑफ सो यू वोंट बी एबल टू क्रैक द कट ऑफ और आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता चाहे आप ट्वेंटी में से ट्वेंटी मार्क्स ले लें इंटरव्यू ले, में इन केस आप थर्टी मार्क्स लेते हो मेन्स uh, में आउट ऑफ सिक्सटी आप थर्टी लेते हो तो आपका वेटेड स्कोर, तो, uh, आप तो स्कोर बनता है आउट ऑफ एट्टी फोर्टी सिक्सटी में थर्टी है तो आपके एट्टी में फोर्टी हो गए इंटरव्यू में आप फोर्टीन मार्क्स लेते हो तो फिफ्टी फोर स्कोर बनता है ठीक है तो यू आर नॉट एबल टू क्रैक द फाइनल कट ऑफ एक चीज का ध्यान रखें वट आई हैव नोटेस्ट स्टूडेंट्स जो एवरेज आउट ऑफ ट्वेंटी इंटरव्यू में मार्क्स हैं जनरली आपको टेन से लेके कर सिक्सटीन तक मार्क्स इंटरव्यू में मिलते हैं ऑन एन एवरेज बारह से चौदह मार्क्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा एवरेज यही मिलते हैं मेरे एट्टी परसेंट स्टूडेंट्स का इंटरव्यू का स्कोर बारह तेरह चौदह ही होता है ये ही है एक एवरेज आप अज्यूम करके चलें कि आपके बारह मार्क्स आएंगे सो स्टूडेंट्स इफ़ यू आर एबल टू स्कोर थर्टी फाइव मार्क्स तो आपका वेटेड स्कोर बन गया 46.67 और इंटरव्यू में आप चाहे 10 मार्क्स लेते हैं इवन देन योर स्कोर इज 56.67 एंड यू आर एबल टू क्रैक द कट ऑफ ओके सो नाउ आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हाउ मच मार्क्स डू यू नीड टू क्रैक द फाइनल कट ऑफ फाइनल कट ऑफ इज फिफ्टी इट कैन भी फिफ्टी दिस ईयर फिफ्टी दिस ईयर सो इट ऑल डिपेंड्स सो इफ योर स्कोर इज 22, 23, 24, 27, 28. इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज डिफिकल्ट सो हाउ यू कैन क्रैक इट आप किस तरह से इसको क्रैक कर सकते हो यू नीड टू स्कोर एट लीस्ट आप थर्टी फाइव के तकरीबन मार्क्स लेते हैं तो आपका श्योर श्योट है ऑल दो इफ यू आर एबल टू स्कोर थर्टी थर्टी टू इट इज पॉसिबल बट इट इज डिफिकल्ट मैंने आपको दिखाया अगर आप थर्टी मार्क्स लेते हो तो फिफ्टी फोर नहीं हो पाता है ठीक है थर्टी थ्री थर्टी फोर देन अचीवेबल ओके सो आई एम बींग वेरी रियलिस्टिक वेरी ट्रांसपेरेंट आई नो अ लॉर्ड ऑफ पीपल विल से कि किसी के 29 मार्क्स आए थे वो फिर भी निकाल गया वन ऑफ माई स्टूडेंट्स को ट्वेंटी एट इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी तो ट्वेंटी एट मार्क्स आए थे फिर भी एक हज़ार वेकेंसी हो गई थी हमारे दो सौ स्टूडेंट पास हुए थे सो वॉट हैपन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि कट ऑफ बहुत कम चला गया था एंड उसका भी हुआ था इंटरव्यू में उतना तो अच्छा स्कोर भी नहीं था कट ऑफ ही कम चले गया था बट जनरली ये लकी ड्रॉ नहीं निकलता है सबका सो दैट्स द सारियो एंड पिछ जो फाइनल कटा फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव थ्री सेवन थ्री बाकी एस सी का लिखा हुआ है फोर्टी नाइन एस टी का फोर्टी एट पॉइंट सिक्स सेवन ओ बी सी का फिफ्टी वन फोर्टी एट पॉइंट टू जीरो फोर ई डब्ल्यू एस सो आप खुद से अपनी कैटेगरी का जो है एग्जाम्पल निकाल सकते हो तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा ठीक है ये वाली जो कट ऑफ है इसका कोई रेलेवेंस है नहीं है देते हैं बट इसका कोई रेलेवेंस है नहीं सो आई बी पी एस एस ओ प्री का कट ऑफ इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन दैट वॉज ट्वेंटी फोर फॉर द अनरिजर्व कैटेगरीज़ बहुत कम था आउट ऑफ वन ट्वेंटी फाइव सारे स्टूडेंट्स कर ही लेते हैं लेट मी जस्ट हाइड माई फेस Uh, और जो जनरल कैटेगरी का 2021 में 7.75 पॉइंट सेवन फाइव फॉर इंग्लिश फाइव पॉइंट सेवन फाइव फॉर रीजनिंग एंड एट पॉइंट फाइव फॉर द जनरल अवेयरनेस एज यू कैन सी ट्वेंटी ट्वेंटी टू में कट ऑफ बढ़ गया था ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन का है पहले हम ट्वेंटी ट्वेंटी टू का बता रहे थे सो so, मेन्स का कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी का ट्वेंटी सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव कोई रेलिवेंस नहीं है इसकी ठीक है सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव है बट फाइनल कट ऑफ अगेन यू कैन सी इट इज़ फिफ्टी फोर पॉइंट टू टू जीरो इफ़ यू आर एबल टू स्कोर सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव वट इज़ द पॉइंट आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा सिलेक्शन तभी होगा इफ़ यू आर एबल टू स्कोर एटलीस्ट थर्टी आउट ऑफ सिक्सटी मेन्थ्स में अगर एटलीस्ट थर्टी मार्क्स लेंगे आउट ऑफ सिक्सटी तभी सिलेक्शन हो पाएगा सिक्सटीन वाले को मतलब बुला लेते हैं बाईस तेईस नंबर वाले को इंटरव्यू में उसका बहुत कम चांस होता है ओके okay. so ibps so marketing us course i'm already carrying bank exam students we are providing video classes notes quizzes test series and interview preparation guidance so you can take the course on bankexam.com links are available in the description and list of our successful students in 2022 all these students that took our course and they cracked their respective exams and i'm really really happy for them 2021 2020 all these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams एसओ मार्केटिंग के एग्जाम्स इन्होंने निकाले हैं एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर देम। इफ देर इज एनी डाउट इन योर माइंड प्लीज़ मेक अ कॉमेंट एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू एंड दैट्स ऑल फॉर द स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे बाय